खबर गाजीपुर जनपद से, जहां थाना सादात अंतर्गत गत दिनों शिकारपुर गांव निवासी हीरा कुशवाहा के ऊपर इस इलाके के शिक्षा माफिया ग्राम प्रधान शोभनाथ यादव के द्वारा रात के 10:30 बजे मारपीट कर घायल कर दिया गया। सूचना मिलते ही 112 नंबर के वापस जाते ही अराजक तत्वों के साथ पहुंचे उनके लड़के जितेंद्र को लाठी डंडा से मारने लगे। शोरगुल सुनकर गांव वाले भी बचाव करने पहुंचे, जहां गांव वालों से भी मारपीट हो गई। सुबह थाने पर तहरीर देने गए तो डॉक्टरी जांच कराने की बजाय थाना अध्यक्ष रात भर थाने पर बैठा लिए, न तो हीरा कुशवाहा की डॉक्टरी जाँच कराई और न ही FIR दर्ज की, जिसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान मोर्चा महासभा में भाकपा माले के नेतृत्व में थाने पर पुलिस विरोधी योगी सरकार खिलाफ नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया और पत्रक देकर उचित कार्रवाई एवं FIR दर्ज कराने की मांग की गई। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान महासभा जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह, जिला सचिव कामरेड नंदकिशोर, बिंदलाल बहादुर बागी, शिव कुमार कुशवाहा, सरोज यादव सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहे। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रेलवे स्टेशन से चलकर मेन मार्केट सादात चौराहा होते हुए थाने पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा की दृष्टि से सुबह से ही हनुमान मंदिर पर SI जयप्रकाश सिंह, SI महेंद्र कुमार यादव के साथ ही कई थाने की फोर्स एवं 34 बटालियन PSC मौजूद रहे। साथियों, जो ये ज्ञापन दिया गया है और इसके संबंध में हम अपने उच्च अधिकारियों को से वार्ता करेंगे और इसकी जांच कराकर जो भी उचित कार्रवाई होगी अवश्य की जाएगी, सबके साथ न्याय किया जाएगा। हाँ साथियों, कहते कि अपराधियों को पकड़ लो और उनको जेल के सलाखों में भेज दो और अपराधी आपके सामने गोली दागने की बात कर रहा है, इसका क्या है मतलब कि थाने में उनकी यारी है तभी तो उनके ऊपर FIR नहीं लिखा जा रहा है। अब तक हमको यहाँ आने हम लोगों को क्या जरूरत थी, अगर ये पुलिस के लोग उसको पकड़ कर जेल भेजते उनके ऊपर कार्रवाई करते तो ये जनता इसलिए पर साथ में भेजते हुए आपके थाने में क्यों आती, ये दर्शाता है कि जोगी जी आपके थाने में पूरे यूपी में महिलाएं नंगी नचाई जा रही हैं और ये साबित है सादात थाने का के एक बनवासी के ऊपर एक हीरा कुशवाहा के ऊपर इस तरह की घटना होती है और सामने देखने को मिला है कि कोई आप FIR नहीं लिखी गई, आज तक वो जेल नहीं गए। आप लोगों ने देखा है कि अभी जवानिया में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और 5 महीने की जो है दर्द होती है, बहुत मेहनत के बाद वो जेल गई है, यही है आप लोगों की बेटियों की सुरक्षा करने वाले लोग हैं। ये हमारी सुरक्षा क्या करेंगे, ये जनता की सुरक्षा क्या करेंगे, ये लोग तो रक्षक नहीं भक्षक है, सम्मान चाहिए ऐसे लोगों को, अपराधियों को जेल में भेजे, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आगे SP से मिला और CO साहब से मिला, हमारे कामरेड लोग यहाँ पे थे, मैं चाहता तो यहाँ बवाल करता और धरना प्रदर्शन करता और इसके बाद मैं कुछ नहीं शांति पूर्वक से बाहर निकल गया और SO साहब से बात किया और इससे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेचू बनवासी हमारे कार्यालय से जा रहे थे, यही शराब के ठीके के आगे पे चौराहे पे इनको मारा जा रहा है और दरोगा पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि नहीं वो यादव अपराधी है, इस तरह की बात है, आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। हीरा कुशवाहा जो है इनको रात में मारा गया, दोबारा जब मारने गए तो गांव वाले मिलकर अपराधियों को पीटे और गरीबों पर FIR किया जा रहा है, ये कहां का न्याय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका भी FIR लिया जाए और मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, हमें हमारी मांगे यही है। आप ये देख रहे हैं कि मैं हम लोग शांतिपूर्वक से कोई काम करना चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग लड़े हैं और लड़ेंगे, हम लोग यही थे SP हटाओ जिला बचाओ, इसके लिए हम लोग 1200 की संख्या में 2000 की संख्या में SP को हम लोग घेरे और SP यहाँ से हटाए गए, तो हम लोग लड़ना जानते हैं, अगर मेरा FIR नहीं होगा तो मैं जानिए कि SP साहब के कार्यालय को जाम करेंगे और साथ में हम लोग अधिकारियों को पहुँच के अपने बात को कहेंगे, तो मामले बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं है,
हम लोग जितने पार्टी का मेंबर बनते हैं वो कसम खाते हैं कि गरीब पर जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ मोर लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे और आप कंधे से कंधे मिलाकर चलिए। अभियान तो नहीं होगा, अभियान तो उनको करना ही पड़ेगा, तो भी हमारा पत्र लेगा। मैं यही चाहूंगा कि हमारा अभियान बिकने लगे, कमजोरों की आवाज नहीं सुनी जाए तो अंजाम क्या होगा इस